Welcome students, here we are going to discuss about functional dependency in DBMS. So what is functional dependency? Functional dependency is a relationship between the attributes of a table dependent on each other. Okay. So what does it mean? Between the whenever we create a table or relation in a DBMS, so every attribute must be correlate with the एंटिटी टाइप. व्हाट डज इट मीन? सपोज अगर हम लोग स्टूडेंट्स का टेबल बनाएंगे, स्टूडेंट्स का टेबल बना रहे हैं, तो फिर वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे ओनली वी वांट टू स्टोर द एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ ए स्टूडेंट. स्टूडेंट्स के बारे में जो जो रखना है तो वो हम लोग उस टेबल पे रखेंगे. ठीक है, तो स्टूडेंट्स के बारे में जो जो हम लोग वहाँ पे रखेंगे तो वो स्टूडेंट्स के टेबल पे रखेंगे. तो स्टूडेंट्स के टेबल में मतलब क्या है? स्टूडेंट्स का रोल नंबर, स्टूडेंट्स का नेम, ये सब रखेंगे. अब ये जो एट्रीब्यूट रखेंगे वो एट्रीब्यूट को एक दूसरे से ऑब्वियसली एक रिलेशन है, तो एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट से मतलब एक एट्रीब्यूट नहीं होने से दूसरे एट्रीब्यूट के एग्जिस्टेंस नहीं होता है. तो जो एट्रीब्यूट जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, एवरी एट्रीब्यूट शुड डिपेंडेंट ऑन ईच अदर बाई सम मीन्स, तो वो होता है हम लोगों का फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, सपोज स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट्स रोल नंबर है और है स्टूडेंट्स नेम. तो अगर हम स्टूडेंट्स नेम बोलेंगे तो एक दो स्टूडेंट्स का सेम नेम आएगा. तो अगर हम सिर्फ स्टूडेंट्स नेम एट्रीब्यूट, सपोज हम लोग स्टूडेंट्स रोल नंबर नहीं दिए, तो सिर्फ स्टूडेंट्स रोल नंबर नेम से क्लास में जाके अगर नेम बुलाएंगे तो दो स्टूडेंट, मे बी देयर एग्जिस्ट मोर देन टू स्टूडेंट्स इन ए टेबल, तो दो स्टूडेंट्स अगर होगा तो एक नाम से तो नहीं पहचाना जाएगा ना, यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा. तो फॉर दैट रीजन वी वांट प्राइमरी की. तो अगर प्राइमरी की रहेगा तो प्राइमरी की कौन सा है? रोल नंबर एट्रीब्यूट प्राइमरी की है. तो अगर रोल नंबर रहेगा तो फिर रोल नंबर, अगर हम लोग क्लास में जाके रोल नंबर बुलाएंगे तो फिर जो स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स है उस रोल नंबर से, क्योंकि वो स्टूडेंट्स खड़ा हो जाएगा, तो क्योंकि दो स्टूडेंट्स का रोल नंबर कभी सेम नहीं होता है, तो एक स्टूडेंट्स टेबल में स्टूडेंट्स का नाम जो है, नाम तो चाहिए क्योंकि बिना नाम के टेबल नहीं होता, पर वो नाम किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रोल नंबर के ऊपर डिपेंड कर रहा है. दिस इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी. तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में नॉर्मली जो जो एट्रीब्यूट रहता है उस एट्रीब्यूट को आइडेंटिकली आइडेंटिफाई करने के लिए सब एट्रीब्यूट हमेशा प्राइमरी के ऊपर डिपेंडेंट रहता है. सपोज एड्रेस, ठीक है, कोई सिटी का नाम, तो दोनों का तो सिटी का नाम सेम जगह, सपोज खिदिरपुर, दो स्टूडेंट्स खिदिरपुर से आ ही सकते हैं, तो सिर्फ खिदिरपुर बोलेंगे तो खिदिरपुर से कौन कौन आता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स खड़ा हो जाएगा. अगर हम सिर्फ रोल नंबर को लेके बोलेंगे कि रोल नंबर 7 जो खिदिरपुर से आ रहे हो वो खड़े हो जाओ, तो वो यूनिक एक ही स्टूडेंट्स खड़ा होगा. तो दैट मीन्स एड्रेस इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट्स रोल. तो ये जो एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है, सपोज अगर हम स्टूडेंट्स रोल को ए देंगे और इसको अगर बी लिखेंगे, तो फिर हम लोग कैसे फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोट करता है? ए डिपेंडेंट बाई बी, दैट मीन्स बी डिपेंडेंट ऑन ए. ठीक है, मतलब राइट साइड में जो होता है वो लेफ्ट साइड में जो एट्रीब्यूट रहता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोग फंक्शनल डिपेंडेंसी डिनोट करते हैं. तो यहाँ पे देखो, ए एरो बी, इट मींस बी फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए, मतलब बी एट्रीब्यूट ए के ऊपर डिपेंड करते हैं. तो लेफ्ट साइड में जो एट्रीब्यूट है वो इन जनरल प्राइमरी की या फिर कैंडिडेट की या फिर सुपर की, उस तरीके से होता है, क्योंकि की के ऊपर हमेशा डिपेंड करेगा. जो की के ऊपर नहीं करेगा, जो की वैल्यू नहीं है, तो वो तो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? बी है डिपेंडेंट एंड ए है डिटर्मिनेंट. ठीक है, मतलब ए को देके ही बी को पहचाना जाता है. अब यहाँ पे एक एग्जांपल है डिपार्टमेंट का, हम लोग, मैं जैसे स्टूडेंट्स का दिए या डिपार्टमेंट टेबल का दिया हुआ है. डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम किसके ऊपर डिपेंड करेगा? डिपार्टमेंट आईडी के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से लिखे जाते हैं. ठीक है, आप नॉर्मली पांच तरीके का फंक्शनली डिपेंडेंट होता है डिपेंडेंसी. क्या क्या है? ट्रिवियल डिपेंडेंसी, नॉन ट्रिवियल, पार्शियल, ट्रांजिटिव, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी. ठीक है,
तो पहले देखेंगे ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या है। ट्रिवियल डिपेंडेंसी है जो पहले वाले एग्जांपल लेके हम लोग लिखते हैं। अच्छा, सुपरसेट की क्या था? स्टूडेंट्स टेबल में क्या है? स्टूडेंट्स रोल प्राइमरी की है। अगर मैं क्लास में जाके बुलाऊं कि रोल नंबर 2 सूरज, रोल नंबर 2 सूरज, तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। अगर मैं सिर्फ रोल नंबर बोलूं तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। अगर मैं बोलूं कि रोल नंबर 2 सूरज जो जादवपुर में रहता है तो भी यूनिकली आइडेंटिफाई होगा। तो यहाँ पे देखो, अगर स्टूडेंट्स रोल नंबर बोले यूनिकली आइडेंटिफाई होगा, स्टूडेंट्स रोल बोलूँ उसके साथ नाम बोलूँ तो भी आइडेंटिफाई होगा, स्टूडेंट्स रोल बोलूँ उसके साथ नाम बोलूँ उसके साथ एड्रेस बोलूँ तो भी आइडेंटिफाई होगा। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई हम लोग टेबल में कर सकते हैं। पर तीनों में से यहाँ पे तो सिर्फ स्टूडेंट्स रोल है, छोड़ो ये स्मॉलेस्ट है। यहाँ पे अगर हम लोग स्टूडेंट्स रोल ना दें तो फिर सिर्फ नाम से यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। यहाँ पे भी अगर हम लोग स्टूडेंट्स रोल नाम ना दे, सिर्फ नाम एंड एड्रेस ही यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो ये सब सेट को, जहाँ पे जो सेट, ये है कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स और ये है सिंगल एट्रीब्यूट, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं सुपर की। ठीक है, सुपर की इज एन कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट थ्रू विच वी कैन आइडेंटिफाई ए रिकॉर्ड यूनिकली। ठीक है, और मिनिमम सुपर की, मिनिमम सुपर की मतलब सबसे कम एट्रीब्यूट। यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है, एड्रेस यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट है, यहाँ पे 2 एट्रीब्यूट है, यहाँ पे 1 एट्रीब्यूट है। सबसे छोटा एट्रीब्यूट कौन सा है? स्टूडेंट्स रोल। सो मिनिमम एट्रीब्यूट्स इज टेकन एज कैंडिडेट की। ठीक है, जो सबसे छोटा है वो कैंडिडेट की होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स रोल के साथ अगर स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन नंबर रहे तो वो भी कैंडिडेट की है, और ये दोनों कैंडिडेट की में से कोई भी एक होगा हम लोगों का प्राइमरी की। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखो जो मैं बोलना चाह रही हूँ, यहाँ पे सपोज ये वाला छोड़ दो, ये स्टूडेंट 2 रिकॉर्ड, 2 सुपर की हम लोग लेते हैं। ठीक है, एक लेंगे स्टूडेंट्स रोल और एक लेंगे स्टूडेंट्स रोल ए नेम, मतलब नेम। तो अगर हम लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स रोल एंड नेम, तो ये तो एक सुपर की है, तो इसके ऊपर भी तो ये नेम डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर हम नेम राइट साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड, क्योंकि मैं क्या बोली थी कि लेफ्ट साइड में हमेशा की वैल्यू रहता है, तो नेम क्या होगा? नेम ये सुपर की के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो अगर राइट साइड में जो वैल्यू डिपेंडेंट सेट है, वो अगर जो डिटर्मिनेंट सेट है उसका सबसेट है, ये तो इसका सबसेट है क्योंकि यहाँ पे देखो नेम बिलोंग्स करते हैं, तो ये इसका सबसेट है। तो अगर राइट साइड में जो एट्रीब्यूट है, इफ दैट एट्रीब्यूट इज अ सबसेट ऑफ द डिपेंडेंट सेट, देन दैट इज नोन एज ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तब वो डिपेंड करेगा ही करेगा। ठीक है, तो वो होता है ट्रिवियल सेट। मतलब अगर मैं ए बी लेके, 2 एट्रीब्यूट लेके बोलूं कि ए एंड बी आर 2 एट्रीब्यूट्स इफ ए एंड बी डिटरमिनेंट बी, मतलब इफ बी इज डिपेंडेंट ऑन ए बी and B is a subset, then B is a subset of the determinant set, then that is known as trivial set, trivial functional dependency। और अगर यहाँ पे B ना हो, जो normally हम लोग देखते हैं, अगर यहाँ पे B ना हो, सिर्फ A depend, B dependent on A, अगर सिर्फ B dependent on A होगा तो फिर क्या होगा? यहाँ पे B A का subset नहीं है क्योंकि यहाँ पे B तो नहीं है, तो तब ये होता है non-trivial dependency। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम, डिटरमिनेंट सेट एंड डिपार्टमेंट आईडी है डिपेंडेंट सेट। तो डिपार्टमेंट आईडी क्या है? इसका सबसेट है, तो इसलिए दिस इज ट्रिवियल डिपेंडेंसी। पर यहाँ पे नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी में डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम, तो डिपार्टमेंट नेम यहाँ लेफ्ट साइड में नहीं है, तो इसलिए ये है नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी। मतलब सिर्फ डिपेंडेंसी में दिखाना है कि एट्रीब्यूट कैसे एक दूसरे से डिपेंड करता रहता है। पार्शियल डिपेंडेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्शियल डिपेंडेंसी, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी ए एरो बी इज सेड टू बी पार्शियल इफ रिमूवल ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए स्टिल एबल टू रिकॉग्नाइज बी यूनिकली। मतलब यहाँ पे देखो, ए बी बी डिपेंडेंट करता है, ठीक है, क्योंकि बी बी का सबसेट है। अब ए
एरो सी, ए सॉरी ए एरो बी, तो बी क्या होगा, ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बी ए एंड बी के दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। अच्छा हम लोग यहाँ पे बी ना दे के हम लोग यहाँ पे सी दे रहे हैं, एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ पर इसको देख के पहले समझो। ये देखो तीन एट्रीब्यूट है ए बी सी, ठीक है, बी ए के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंडिविजुअली, जैसे नॉन ट्रिवियल डिपेंडेंसी, अब बी ए एंड सी दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पर अगर हम इस रिलेशन से सी को हटा देंगे तब भी तो बी ए के ऊपर डिपेंड करेगा, मतलब इसका मतलब ये जो रिलेशन बना कि बी रिलेट टू ए एंड सी, ये बी पार्शियली डिपेंडेंट ऑन ए, ठीक है। मतलब अगर कोई भी एट्रीब्यूट कोई दो या तीन एट्रीब्यूट के ऊपर इस तरीके से डिपेंड करता है कि कोई भी एट्रीब्यूट अगर हम लोग हटा ले फिर भी वो डिपेंडेंसी रहेगा, तो इसलिए उसको बोले जाएगा पार्शियल डिपेंडेंसी। यहाँ पे देखो ए ए बी इज सेड टू बी पार्शियल इफ रिमूवल ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए, रिमूवल ऑफ एनी सबसेट ऑफ ए मतलब यहाँ पे अगर हम लोग सी को हटा दे फिर भी अगर डिपेंडेंसी रहेगा देन दैट इज नोन एज पार्शियल डिपेंडेंसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो ये देखो यहाँ पे ये जो मैं लिखी ए बी के पी क्यू आर डिपेंडेंट ऑन पी क्यू इफ आइदर पी एलोन और क्यू एलोन कैन यूनिकली आइडेंटिफाई आर देन इट इज सेड टू बी पार्शियल डिपेंडेंसी, मतलब ए सी बी अगर ए एंड सी दोनों के ऊपर डिपेंडेंट है एंड बी सिर्फ ए के ऊपर भी डिपेंड करता है तो ये पार्शियल डिपेंडेंसी है, क्योंकि हम लोग अगर सी ना भी दे तभी चलेगा, ठीक है। तो ये होता है पार्शियल डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल लो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स आई डी प्रोजेक्ट नंबर स्टूडेंट्स नेम प्रोजेक्ट नेम, तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले गए। देखो स्टूडेंट्स आई डी प्रोजेक्ट, तो ये जो प्रोजेक्ट नेम है तो प्रोजेक्ट नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रोजेक्ट आई डी के ऊपर, एंड स्टूडेंट्स नेम किसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स नेम के ऊपर। तो अगर हम यहाँ पे ये भी यहाँ पे यूनिक है ये भी यूनिक है, तो अगर हम स्टूडेंट्स आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी को अगर स्टूडेंट्स नेम के साथ लिखेंगे, मतलब स्टूडेंट्स नेम डिपेंडेंट ऑन प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टूडेंट आईडी, अगर इस तरीके का होगा तो अगर हम प्रोजेक्ट आईडी को हटा देंगे फिर भी स्टूडेंट्स नेम स्टूडेंट आईडी के साथ डिपेंड करेगा, तो ये है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी मतलब अगर कोई भी एट्रीब्यूट कोई दो एट्रीब्यूट के ऊपर डिपेंड कर तो रहा है, क्योंकि ये प्राइमरी की है ये तो सुपर की है, हम लोग तो बोल ही सकते हैं कौन स्टूडेंट्स कौन से प्रोजेक्ट आईडी में, पर अगर हम प्रोजेक्ट आईडी को हटा देंगे फिर भी स्टूडेंट्स नेम स्टूडेंट्स रोल के ऊपर तो डिपेंड करेगा। नॉट नेसेसरी कि हमको यहाँ पे की स्टूडेंट्स नेम प्रोजेक्ट आईडी नहीं होगा तो ये रिलेशन होल्ड नहीं करेगा, तो इसको बोले जाते हैं पार्शियल डिपेंडेंसी। तुम लोग ये एग्जाम्पल ठीक से पढ़ लेना, क्योंकि व्हेनेवर इट इज गिवन टू राइट पार्शियल डिपेंडेंसी वेदर इट इज मेंशनड और नॉट वी हैव टू से द एग्जाम्पल। अब है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पहले इसको देख एग्जाम्पल देख लो। ये देखो एक स्टूडेंट्स आईडी है, स्टूडेंट्स नेम है, सिटी है, जीप है, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी की कौन सा है, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स आईडी, क्लियर। आप देखो ये जो जीप, जीप मतलब हम लोगों का पिन कोड, ये जीप किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कोई अगर किसी के सिटी का नाम बोलेगा तो जीप कोड से पता चल जाता है कि कौन से सिटी कौन से, तो ये जो जीप कोड है ये जो सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिटी तो कोई प्राइमरी की वगैरह नहीं है, ठीक है, कोई की एट्रीब्यूट प्राइमरी के ऊपर नहीं है। तो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी मतलब ये जो जीप कोड है वो सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है डायरेक्टली, एंड ये सिटी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, स्टूडेंट्स आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है इनडायरेक्टली, दैट इज नोन एज ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। मतलब देखो ये तो नॉर्मल है कि ए बी के ऊपर डिपेंड करेगा, ए सॉरी बी ए के ऊपर डिपेंड करता है, सी बी के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम लोग नॉर्मल तो बोल ही सकेंगे कि सी ए के ऊपर भी इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, ये है ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। ट्रांजिटिव मतलब डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली वो डिपेंड करेगा, तो स्टूडेंट्स आईडी कौन से सिटी के है तो उसके सिटी स्टूडेंट्स आईडी के ऊपर डिपेंड करेगा, जीप
सिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो इनडायरेक्टली जीप स्टूडेंट्स आईडी के ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे देखो ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या है, ए फंक्शनल डिपेंडेंसी सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ इट इज इनडायरेक्टली फॉर्म्ड बाय टू इंडिविजुअल फंक्शन। इनडायरेक्टली मतलब यहाँ पे एक्स एरो जेड होगा कब, जब एक्स एरो वाई एंड वाई एरो जेड होगा, ठीक है। यहाँ पे और एक एग्जांपल है, देखो बुक बुक ऑथर ऑथरेज, ठीक है। बुक मतलब कौन से बुक, कौन सा ऑथर लिखा है, उसका एज क्या है, पर कौन सा बुक कौन सा ऑथर एक रिलेशन बना, क्योंकि बुक का नाम जानने से ऑथर क्या होगा, बुक का नाम जानने से उसका ऑथर का नाम पता चला जाएगा। और एज किसके ऊपर डिपेंड कर रहे, एज तो ऑथर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कौन से ऑथर का एज क्या है, ठीक है। ऑथर का एज हम लोग बुक के नाम से सिर्फ ऑथर का एज नहीं जान पाएंगे, ऑथर के एज जानने के लिए ऑथर का नाम जरूरी है, ठीक है। तो फिर इनडायरेक्टली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि बुक ऑथर के ऊपर, ऑथर बुक के ऊपर डिपेंड कर रहा है, या फिर बुक से हम लोग ऑथर का नाम पता चलता है, ऑथर से ऑथर के एज पता चलता है। तो ये जो बुक एंड ऑथर का जो रिलेशनशिप है वो ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव मतलब इनडायरेक्टली दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब हम लोग जब भी कोई डिपेंडेंसी बनाएंगे एट्रीब्यूट, तो अगर कोई भी एक एट्रीब्यूट को हटा दो तो वो डिपेंडेंसी अगर चला जाता है तो दैट इज नोन एज फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इफ ए फंक्शनल डिपेंडेंसी ए एरो बी, ए सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड बी इज अनदर सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, दैट डिपेंडेंसी वेयर बी इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ए एंड नॉट एनी सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड फुल एरो डिपेंडेंसी। मतलब है कि पार्शियल डिपेंडेंसी में हम लोग क्या देखेंगे कि ए सी एरो बी अगर देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम लोग देखेंगे कि अगर ए एरो बी होल्ड करता है, मतलब बी अगर ए के ऊपर डिपेंड करता है, तो ए सी जो सुपर की है, तो तब जाके सुपर की में मतलब स्टूडेंट्स रोल स्टूडेंट्स नेम, तो स्टूडेंट्स नेम को हटा दोगे तो स्टूडेंट्स रोल के ऊपर तो डिपेंड करेगा ना। तो अगर सी को हटाने से भी अगर रिलेशनशिप होल्ड करता है वो है पार्शियल डिपेंडेंसी। एंड फुल डिपेंडेंसी है अगर हम कोई एक डिपेंडेंसी ऐसे बनेगा, अगर इस तरीके से ए सी बी डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी, इफ वी रिमूव वन एट्रीब्यूट देन द डिपेंडेंसी विल नॉट होल्ड, मतलब बी टोटली डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी बोथ, तब जाके हम लोग बोल सकेंगे कि इट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन ए एंड सी। पार्शियल डिपेंडेंट मतलब सी को हटा दोगे फिर रिलेशनशिप होल्ड करेगा, अगर सी को हटाने से रिलेशनशिप होल्ड नहीं करता है तब जाके वी कैन से इट इज फुल्ली पार्शियल फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। यहाँ पे देखो ए एरो बी एक रिलेशन है, ए डी एक रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी तो फुल एरो डिपेंडेंसी है, और अगर यहाँ पे ए बी रिलेशनशिप नहीं होता तब जाके ये क्या होगा, अच्छा जो ये अगर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे जो लिखा है पहले उसको बोलो, यहाँ पे जो मैं अभी समझाई कि ये देखो ए एरो बी पार्शियल डिपेंडेंसी अगर होल्ड करेगा, अगर ए एरो सी एंड बी होल्ड करेगा तो ये क्या होगा, ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ये फंक्शन पार्शियल है क्योंकि सी हटा दो फिर भी तो ये होल्ड करता है। पर अगर ये होल्ड नहीं करता है, मतलब ए सिर्फ ए सी एरो बी होता और ए बी नहीं होता आइडेंटिकल, तब जाके ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होता, क्योंकि सी को हटा दोगे तो ये डिपेंडेंसी नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया है देखो, एग्जांपल है ईमेल आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, नंबर ऑफ डेज, मतलब नंबर ऑफ डेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ईमेल आईडी, प्रोजेक्ट आईडी, प्रोजेक्ट कॉस्ट, ठीक है। मतलब कितने दिनों में कौन सा प्रोजेक्ट काम खत्म हो रहा है, तो वो ईमेल आईडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्रोजेक्ट आईडी ये डिपेंड है। पर अगर हम लोग एमपी आईडी हटा दे, सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी दे, तभी तो हम लोगों को डेज पता चलेगा, ठीक है। ईमेल आईडी के साथ डेज का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट कॉस्ट भी यहाँ पे नहीं चाहिए कि कौन से एम्प्लॉय आईडी कौन से प्रोजेक्ट में काम करेगा, तो सिर्फ मतलब प्रोजेक्ट आईडी रहने से वो फंक्शन डिपेंडेंसी हो जाएगा।
ठीक है, पर प्रोजेक्ट कॉस्ट का तो कोई इसमें वास्ता नहीं है। अब यहाँ पे अगर ये रिलेशनशिप होता है कि EMPID, प्रोजेक्ट आईडी और नंबर ऑफ डेज, मतलब कौन से प्रोजेक्ट आईडी कौन से एम्प्लॉय ने कितने दिनों में खत्म किया, मतलब डेज किसके ऊपर डिपेंड करेगा, एम्प्लॉय आईडी एंड प्रोजेक्ट आईडी, तो ये होगा तुम लोगों का फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो फुल्ली फंक्शनल डिपेंडेंसी मतलब यहाँ पे अगर ईमेल आईडी हटा दो तो प्रोजेक्ट आईडी एंड नंबर ऑफ डेज, तो प्रोजेक्ट एक एम्प्लॉय आईडी तो दो प्रोजेक्ट में काम कर ही सकता है, ठीक है, तो सिर्फ प्रोजेक्ट आईडी एंड डेज दोगे तो वो डेज निकलेगा, पर प्रोजेक्ट आईडी कौन से एक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय मतलब दो एम्प्लॉय भी तो एक प्रोजेक्ट में काम कर सकता है, तो कौन से एम्प्लॉय कौन से प्रोजेक्ट में कितना दिन काम करेगा उसको जानने के लिए हम लोग को एम्प्लॉय आईडी प्रोजेक्ट आईडी दोनों के ऊपर ये नंबर ऑफ डेज डिपेंड करता है। पर प्रोजेक्ट कॉस्ट इसमें अननेसेसरी है क्योंकि नंबर ऑफ डेज के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट नहीं चाहिए। तो ये है हम लोगों का फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी, ठीक है। तो ये फंक्शनल डिपेंडेंसी इज वेरी इम्पॉर्टेंट क्योंकि इसको देख के ही किसके ऊपर कौन सा डिपेंड करेगा कौन सा डिपेंड नहीं करता है वो हम लोग सिले डिटरमाइन करते हैं।